बोलिए बोलिए सत्य बाबा साहब की। अली जी भैया, ये कमल म्यूजिकल ग्रुप रूरा कानपुर देहात के माध्यम से कार्यक्रम का आनंद लेंगे। महापुरुषों की वाणी को इस संगीत के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दतियां विबुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दतियां विबुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पाराधिपाता वीर मरे सिखा पदं समादियामि। अधीन दाना वीर मणि सिखा पदं समादियामि। मूसावादा वीर मणि सिखा पदं समादियामि। कामेश मिच्छाचारा वीर मणि सिखा पदं समादियामि। मूसावादा वीर मणि सिखा पदं समादियामि। सूरा वेर मध्य प्रमा दाना वेर मणि सिखा पदं समादियामि। संविधान चंद भक्तियों के माध्यम से नमन करना चाहती हूँ, वंदन करना चाहती हूँ। हे गौतम तपुधारी महामुनि, ज्ञान बता जाना महामुनि, ज्ञान बता बता जाना महामुनि।
भक्त बाबा साहब की। अली जी भैया, ये कमल म्यूजिकल ग्रुप रूरा कानपुर देहात के माध्यम से कार्यक्रम का आनंद लेंगे। महापुरुषों की वाणी को इस संगीत के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दतियां विबुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दतियां विबुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पाता वीर मरे सिखा पदं समाधियामि। अधिन्न दाना वीर मणि सिखा पदं समाधियामि। मूसा वादा वीर मणि सिखा पदं समाधियामि। कामेश मिच्छाचारा वीर मणि सिखा पदं समाधियामि। मूसा वादा वीर मणि सिखा पदं समाधियामि। सूरा वेर मध्य प्रमाद ठाना वेर मणि सिखा पदं समाधियामि। चंद भक्तियों के माध्यम से नमन करना चाहती हूँ, वंदन करना चाहती हूँ।
चल करके आई है आपके बीच में। मैं प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ और महापुरुषों की वाणी को गीत संगीत के माध्यम से जगह जगह पहुँचाने का काम करती हूँ। मैं स्वयं गीत लिखती हूँ, स्वयं गाती हूँ और कहना चाहती हूँ क्या एक धुन आई फिर भी दुनिया में लगाया तो शकुंतला कमल ने भी गाया क्या। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, आज घर द्वार छोड़ करके सभी लोग बोधिसत्व बाबा साहब के प्रांगण में बोधिसत्व बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए और 14 अप्रैल से बराबर चल रही है और सालों साल चलने वाला जयंती समारोह, ऐसी जयंती समारोह केवल केवल हमारे महान नायक बोधिसत्व बाबा साहब का ही हो सकता है। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए उनको तो खुद की शरण चाहिए। Yeah।
नसीब नहीं हुआ, कोई पानी नहीं पिलाया। एक दिन बालक भीम अपनी माँ भीमा बाई की गोद में घुटने पर सर रख करके लेट गए बालक भीम, और अपनी माँ भीमा बाई से कहने लगे, माँ माँ मुझे बहुत प्यास लगती है, माँ मुझे कोई पानी नहीं पीने देता, कोई पानी नहीं पिलाता। तो छोटा सा बालक भीम अपनी माँ भीमा बाई से ऐसे कहने लगे, तो बालक भीम के अपनी माँ के आंसुओं को पोंछा, और उसी समय दृढ़ संकल्प किया बाबा साहब ने। बालक भीम ने कहने लगे, माँ माँ तेरे आंसुओं की सौगंध माँ, मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, माँ मैं पढ़ने जरूर जाऊंगा, और जिस दिन मैं पढ़ लिख कर कुछ काबिल हो जाऊंगा, कुछ विद्वान हो जाऊंगा, उस दिन अपने लोगों को पानी पीने का अधिकार दिलाऊंगा। वही आगे चल करके बाबा साहब ने महातालाब पर जो पानी पीने का आंदोलन चलाया, तो दो पंक्तियों में कहना चाहती हूँ इस मार्मिक प्रसंग को। एक गीत आया, फिल्मी दुनिया वालों का आया, जिंदगी इम्तहान लेती है